हे गाइस, प्रिंस हियर। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका कोई भी वीडियो रिमूव करता है यूट्यूब, तो आप उस वीडियो को कैसे वापस ले सकते हो। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे यूट्यूब ने इस वीडियो को रिमूव किया है, जो कि मैं आपको लाइव दिखा भी रहा हूँ। मुझे ये बता रहा है कि आपका वीडियो यूट्यूब गाइडलाइन को वायलेंट कर रहा है, इसलिए कम्युनिटी को सेव करने के लिए उसे हम रिमूव कर रहे हैं। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ द इशू जरूर चेक कर लेना कि आपके चैनल पे क्या इम्पैक्ट पड़े हैं, आपके वीडियो पे क्या इम्पैक्ट पड़े हैं और आपका जो मोनेटाइजेशन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़े हैं। इसके अलावा आपको यूट्यूब की तरफ से एक मेल रिसीव होगा कुछ इस प्रकार से। इस मेल में आपको बता रहा है कि हम आपके चैनल को रिव्यू कर रहे थे, तो मैंने देखा कि आपने मेरा पॉलिसी को वायलेंस कर रहे हो, जैसे हरेसमेंट, ट्रीट, साइबर बुलिंग पॉलिसी। इसके अलावा मुझे ये भी बता रहा है कि आपको बिल्कुल नहीं पता चला होगा कि आप मेरी पॉलिसी को वायलेंस कर रहे हो, इसलिए मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मैं आपका वीडियो रिमूव कर रहा हूँ। तो आप ये कह सकते हो कि YouTube की तरफ से मुझे वार्निंग मिला है। बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई आपने इस वीडियो में बताया क्या है जिसकी वजह से YouTube ने आपका वीडियो को रिमूव कर दिया है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो के अंदर लगभग 9000 व्यूज़ था। तो मैंने इस वीडियो में बताया था एक्सप्रेसो का अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस क्या है। जब हम इसका अकाउंट ओपन कर रहे थे तो इसका एक टर्म्स एंड कंडीशन था कि आपको एक सेल्फी लेना है, वो भी डेट के साथ। बहुत सारे व्यूअर क्वेश्चन कर रहे थे इस तरह में समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे यहाँ पर सेल्फी लेना है। तो मैंने एक डमी फ़ोटो लिया था और उसके हैंड पे मैंने वाइट कलर का बॉक्स अटैच कर दिया था और उसमें मैंने डेट मेंशन कर दिया था। इसके बाद मैंने व्यूअर को बोला था कि अगर आपको सेल्फी लेना है तो मास्क रिमूव करके ही सेल्फी लेना, तभी जाके कंपनी अप्रूव करेगी आपका अकाउंट, अदरवाइज आपका अकाउंट रिजेक्ट कर देगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मे बी हो सकता है YouTube को लगा मैं स्पैम कर रहा हूँ, इस वजह से उन्होंने मेरा वीडियो को रिमूव कर दिया। अगर आप चाहते हो वीडियो को वापस लेना तो आपको क्या करना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो आप कुछ ऐसे टॉपिक मिस कर जाते हो जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सभी का वेलकम करता हूँ। अगर आपको वीडियो वाकई अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगेन हम वीडियो पे आते हैं। जो फर्स्ट थिंग, अगर आपके पास इस प्रकार से मेल आता है या फिर आपका वीडियो डिलीट होता है तो आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, आपको अपना माइंड को शांत करना है, फिर आपको इस चीज़ के बारे में पता करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, YouTube आप सभी को एक चांस देती है ताकि आप वीडियो को वापस ले सको। YouTube आप सभी से कहता है, अगर आपको लगता है कि मैंने गलती से आपका वीडियो डिलीट किया है और अगर आपने कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं तोड़ा है तो आप हमें अपील कर सकते हो। अगर आप अपील करना चाहते हो तो इसके लिए आप YouTube के गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करना और ये ज़रूर चेक करना YouTube का जितना भी पॉलिसी है, आपने किसी भी पॉलिसी को वायलेंस तो नहीं किया है। इसके लिए आपको यहाँ से क्लिक करना है कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो जैसे आप क्लिक करोगे आप यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे देखोगे तो YouTube पे कुछ पॉलिसी है जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं आपको वैसे बता देता हूँ। तो पहला चीज़ कि आपको कभी भी स्पैम नहीं करना है। दूसरा, आप एक्सटर्नल लिंक के साथ भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो आपने बोला कि भैया आप इस वाली वेबसाइट पर जाओ, लेकिन आप उसको किसी और वेबसाइट पर भेज रहे हो, तो ये भी गलत है। इसके बाद जो सुसाइड, सेल्फ हार्म या सेक्सुअल कंटेंट, इस पर भी आप वीडियो नहीं बना सकते हो। इसके बाद जो पॉलिसी है, इसके अंदर आपको किसी को धमकी नहीं देना है, ये नहीं बोलना कि भैया मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं बोलना है। इसके बाद जो पॉलिसी है, इसके अंदर आपको किसी को मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, जैसे इलेक्शन से हो, कोविड-19 से हो या वैक्सीन से हो, तो इन सब के बारे में कभी भी आपको मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। इसके अलावा जो भी पॉलिसी है उसके बारे में आप रीड कर लेना। अगर YouTube के जितने भी पॉलिसी है उन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। जैसे आप सभी का कमेंट हमें मिलेगा वैसे मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा कि क्या है YouTube का पॉलिसी। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने जितने भी YouTube के पॉलिसी है सबको अगर आपने रीड कर लिया है, इसके बाद आपने देखा कि जितने भी YouTube की पॉलिसी है उसमें से मैंने कोई भी पॉलिसी को नहीं तोड़ा है, इसके बाद आप YouTube को अपील कर लो। यहाँ पे देखोगे तो अपील हेयर का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ से क्लिक करना है,
बिगिन रिव्यू, जैसे आप क्लिक करोगे इसके बाद आप यहाँ पे आ जाओगे और जो भी आपका वीडियो रिमूव होगा वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो एक बार ज़रूर वीडियो को देख लेना और ये भी देखना आपने कोई भी यूट्यूब का टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं तोड़ा है। इसके बाद आपको यहाँ से क्लिक करना है नेक्स्ट, फिर आप यहाँ पर आ जाओगे और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है आई वॉन्ट टू अपील रिमूविंग दिस वीडियो डज नॉट मेक सेंस। इसके नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है वुड यू लाइक टू शेयर एनीथिंग एल्स विद अस, तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिखेंगे आई वॉन्ट टू लीव ए कमेंट, तो आपको चेक बॉक्स को ऑन करना है। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड में YouTube को आपको बताना पड़ेगा, डियर YouTube टीम आई नो ऑल कमिटी गाइडलाइन पॉलिसी बट समटाइम वी कैन मेक मिस्टेक टू फॉलो देम बट माई वीडियो डिड नॉट ब्रेक YouTube गाइडलाइंस एंड पॉलिसी। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो डॉट डॉट लाइन है, यहाँ पे आपको वीडियो के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट बताना है जिससे YouTube को लगे कि आप स्पैम नहीं कर रहे हो। यहाँ पे जो आपको टाइपिंग करना है वो आपको इंग्लिश में करना है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो सिंपल आपको वेबसाइट पर जाना है और गूगल ट्रांसलेटर सर्च करना है। तो यहाँ पर देखोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट अगर आप टाइपिंग करना चाहते हो तो आप सिंपल टाइपिंग कर सकते हो, अगर आप बोलना चाहते हो तो बोल के भी आप टाइपिंग कर सकते हो। तो आप टाइपिंग करके उससे आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना, फिर आपको यहाँ पे बीच में आपको पेस्ट कर लेना है। तो जो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है वो आप पेस्ट मत करना, आप अपना कंटेंट क्रिएट करना। तो सिंपल मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं क्लिक कर रहा हूँ सबमिट। सबमिट जैसे करोगे तो ये रिव्यू में गया है, तो एक से दो दिन के अंदर ये रिव्यू हो जाएगा। इसके बाद आपने जो भी अपील किया है या तो ये रिजेक्ट होगा या फिर अप्रूव होगा। अगर ये रिजेक्ट होता है तो सेकेंड टाइम आपको कभी भी ऐसी गलतियाँ नहीं करना है, अगर आप गलतियाँ करोगे तो YouTube आपके चैनल पे एक्शन ले सकता है। मुझे जो भी रियल लगा मैंने आपको बता दिया है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। गाइज आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँगा तो सबसे पहले आपके पास आएंगे। आपको वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गाइज तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे नए वीडियो में।